दोस्तों जब भी हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हम लोग को एक समस्या होती है, चाहे विंडोज का हो चाहे मैक ओएस हो, कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे मैक ओएस हो, समस्या ये होती है कि कितना हार्ड डिस्क है, कितना रैम है, कितना प्रोसेसर है। तो हम लोग बुकलेट में पढ़ते हैं या हमें कोई बताता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे चेक करें कि रैम है, कितना हार्ड डिस्क, कितना प्रोसेसर है। तो दोस्तों मेरा नाम है तन्वीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन पर दबाएं, इसके बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि हम लोग चेक करेंगे कि विंडोज में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो 8-10 हो एक्सपी, कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे ही प्रॉपर्टीज पर जाएंगे आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन सा एडिशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है विंडोज 7, फिर प्रोसेसर दिखा रहा है AMD प्रोसेसर है हमारा, कितना GB रैम यूज़ हो रहा है और कौन सा वर्जन है, मतलब 32 बिट है 64 बिट है, कंप्यूटर का नाम वगैरह आपको सब कुछ यहीं पता चल जाएगा। अब बात आती है कि कैसे चेक करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में कितना हार्ड डिस्क लगा हुआ है। इसके लिए आप कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करिए, मैनेज पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट पर डबल क्लिक, आपको यहाँ पर दिख रहा है 465 GB, ओवरऑल ये 500 GB का लगा हुआ है। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं हार्ड डिस्क, रैम और प्रोसेसर। दोस्तों ये है हमारा मैक ओएस का स्क्रीन, इस तरह से मैक स्क्रीन दिखता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से इसके स्क्रीन दिखते हैं। अब हमें बात आती है, जैसा मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था कि हम मैक ओएस में और विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों में चेक करेंगे कि कैसे मैक ओएस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं कि कितना रैम है, कितना प्रोसेसर और कितना हार्ड डिस्क है। तो सबसे पहले हम मैक ओएस के बारे में देखते हैं। तो आपको मैक ओएस के लिए आपको जाना होगा एप्पल मेनू पे। एप्पल मेनू का मतलब यह है कि एक एप्पल ऐसा सिंबल बना रहेगा। अब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है अबाउट द मैक, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है कि प्रोसेसर हमारा 1.7 GHz का है, कोर i5 है, मेमोरी 4 GB दिखा रहा है 1.3। अब इसके बाद हम मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोसेसर हमारा 1.7 GHz का है, मेमोरी 4 GB की है, उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड जो है इतने इतने का है, सीरियल नंबर इतना है और सॉफ्टवेयर ये है। उसके बाद अगर हम और कुछ जानना चाहते हैं डिस्प्ले पर जाएंगे और हमारा यहाँ पे दिखा रहा है डिस्प्ले कितना LCD है। उसके बाद स्टोरेज पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि कितना हार्ड डिस्क है, 121 GB यहाँ पर फ्लैश मेमोरी दिखा रहा है। इसके बाद मेमोरी पर चल लेंगे, मेमोरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है 4 GB इंस्टॉल्ड है, 2-2 GB का, दो दो मतलब 2 स्लॉट है, 2-2 GB की आप मेमोरी को यूज कर सकते हैं।